बसपा प्रत्याशी शंकर लालवानी और खजराना मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। धारा 188 के अलावा धार्मिक संस्था अधिनियम की धारा 7(3)(a) के तहत उक्त FIR दर्ज की गई है। गौरतलब है कि गत दिनों शंकर लालवानी खजराना मंदिर गए थे। वहां भाजपा के झंडे की कलर वाला चोला गणेश जी को चढ़ाया गया था और उसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल भी अंकित था। कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा व राकेश सिंह यादव ने इसकी अलग अलग शिकायत चुनाव को दर्ज कराई थी, जिसके बाद खजराना थाना पुलिस भाजपा प्रत्याशी और मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पार्टी के प्रत्याशी द्वारा चोला चढ़ाया गया था जिसमें चुनाव चिन्ह प्रतीक उस चोले में था, उस संबंध में कायमी हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय इंदौर के आदेश दिनांक 9/5/18/5/19 के पालन में श्री शंकर ललवानी के द्वारा जो भाजपा प्रत्याशी आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन का कृत्य सिद्ध होने से पुलिस थाने में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने एवं मंदिर के पुजारी श्री अशोक भट्ट के विरुद्ध धार्मिक संस्था अधिनियम 1988 की धारा 7 अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। उन निर्देश के पालन में हमारी FST टीम के द्वारा आज FIR दर्ज कर दी गई। प्रकरण दर्ज किया। बाइट गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं देना जाने देना चाहती, जिसके चलते एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।